और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए ओके एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर डेक. देंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ स्वर्ड्स फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज चैरियट वाव

Really like पर्सन है बहुत, बहुत है बहुत केयर करते हैं आपकी छोटी छोटी नीड्स छोटी छोटी डिमांड्स की आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं ऑल्सो मुझे दिख रहा है करेंट एनर्जीज में एकवेरियस इन्हें ऐसा फील होता है एंड एंड यू इज वेरी ट्रू ये सच है आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं क्वेरियस आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं क्वेरियस जो बहुत ही केयरिंग है जो लोगों की बहुत केयर करता है जो बहुत इमोशनल है केयरिंग है सेंसिटिव है सो दे रियली लाइक दिस क्वालिटी इन यू एक्वेरियस करेंट एनर्जीज में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अभी ऐसा नहीं है कि ओ मुझे एक्वेरियस से शादी करनी है नो no, बट एक होता है ना कि एक जो आइडियल एक होता है ना कि ये पर्सन आपको एक आइडियल पार्टनर समझते हैं ये ऐसा फील करते हैं कि मुझे एक्वेरियस जैसा ही पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में मुझे एग्जैक्टली exactly जैसा Aquarius है वैसा ही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए जाए क्वीन ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ फोर्ट्स इंटेंशन में ये कमिटमेंट देना चाहते हैं मेरे हिसाब से आने वाले वर्गो वर्गो सीजन में ही

ये आपकी वैल्यू जानते हैं ये जानते हैं कि आप कोई ऐसे ही नहीं हो आप एक अच्छे पर्सन हो आप ऐसे पर्सन हो कि जिसके साथ रिलेशनशिप में आओगे अपने भावगे एक होता है ना कि ये एक जौहरी है जिसने एक हीरा हीरे को खोज निकाला आप वो हीरे हो एक्वेरियस मैं आप पे आपका वो नहीं कर रही हूँ मैं आपको मस्का नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे बट लिटरली आई एम गेटिंग सच एनर्जी में ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको ये चाहते हैं आपके साथ रहना ऑल्सो अगर आपको बहुत से आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी एक्वेरियस आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव है अगर आपको शक है बहुत से एक्वेरियस को शक है यार इस पर, ये पर्सन किसी दूसरे लड़के लड़कियों से तो फ्लोट तो नहीं कर रहा है बात तो नहीं कर रहा था आंसर इज नो एंड द रीजन इज कि पहली बात तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं ये आपके टूवर्ड बहुत डेडिकेटेड हैं Secondly, इनके पास इतना फालतू तो टाइम नहीं है कि फालतू तो लोगों से फ्लर्ट करें या अपने ऑप्शन ओपन रखें नो no. ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि अगर एक ये एक ये ही टाइम पे एक ही इंसान के साथ डील करने में बिलीव करते हैं मतलब दे आर लाइक कि अगर मैं अगर मैं एक्वेरियस से अभी बात कर रहा हूँ के साथ मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है तो वो एक टाइम पे एक ही पर्सन को फोकस करते हैं दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एक्वेरियस ओके okay, तो अगर कोई भी शक है प्लीज सब हटा दो नाउ द फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स यू इज दिस इज दिस इज कमिटमेंट कमिटमेंट दैट लीड टू मैरिज एज वेल ये आ रहे हैं ये कमिटमेंट दे रहे हैं इनके माइंड में है कमिटमेंट 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 खुश रखेगा ना मेरे हिसाब से आप दोनों को शायद लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक होगा बारिश जिसमें आप, आप लोग जिस लो भुट्टे खा रहे हो आइसक्रीम खा रहे हो एंड मजे कर रहे हो गाने सुन रहे हो तो आप दोनों बहुत लॉन्ग drives पे जाते हुए दिख रहे हो एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज ऑल्सो मुझे दिख रहा है इन द फ्यूचर एक्शन अगर आप लोग साथ में काम करते हो मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद कलीग्स हो सकते हो तो ये आपके काम में आपके करियर में आपको काफी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं मे बी कोई नया कोर्स सिखाते हुए दिख रहे हैं एंड ओवरऑल ये पर्सन आपसे एज में शायद बड़े भी हो सकते हैं दे आर गिविंग यू कमिटमेंट बी रेडी आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो फॉर श्योर लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी फाइव ऑफ वॉन्स आप बहुत ज्यादा ना मुझे आपकी एनर्जीज में बहुत मिक्स दिख रही है एक्वेरियस मुझे ये दिख रहा है एक्वेरियस कि आप एक दिन तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो दूसरे दिन बहुत नेगेटिव हो जाते हो बहुत थिंकिंग आपकी चल रही ये, ये, ये मुझे हाँ पे दिख रहा है ये माइंड में आप बहुत ट्रस्ट कि या ये, क्या ये है नहीं क्या ये पर्सन सही है कि नहीं क्या मुझे से वक्त देना चाहिए कि नहीं क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं अगर लिटरली ऐसे क्वेश्चन है लिटरली बुक अ पर्सनल रीडिंग रेस्ट अश्योर इफ यूर वॉचिंग जनरल रीडिंग मैं बोलूंगी भाई इस पर्सन को वक्त दो ये पर्सन जेनुनली बहुत अच्छा पर्सन है एंड दे आर समन इज इनका करियर बहुत अच्छा है ये बहुत बहुत पढ़ने लिखने में अच्छे पर्सन है दे आर अनुनली अ गुड पर्सन अच्छे व्यक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन और मैं यही बोलूंगी कि जो माइंड के कंफ्लिक्ट ना आपके वो सब हटा दो एक बेस रिलैक्स रहो दिल की सुनो बिंदास रहो ज्यादा सोचो मत क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज द हैंगड वन एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन मुझे ओ माई गॉड आई एम गेटिंग वन एनर्जी कि जब ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा जब ये पर्सन बोलेगा कि एक्वेरियस सब रिलेशनशिप में आते हैं कमिटमेंट करते हैं तब आप इन्हें बोलोगे कि मुझे नहीं करना है आप मना शायद आप यू विल से नो टू दिस पर्सन इन द कमिंग फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आपके ओवर थिंकिंग नेचर की वजह से आपका आप जिस हिसाब से स्ट्रेस लेते हो आप जिस हिसाब से करते हो उस, उस उसके वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आएगी मुझे ये दिख रहा है पर्सन बहुत कम्युनिकेटिव है ये पर्सन बात करने में इमोशंस शेयर करने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन को घोस्ट कर दोगे आप इस पर्सन से मिलोगे नहीं आप इस पर्सन पर कोई इंटरेस्ट नहीं शो करोगे सो आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ स्टी इन द कमिंग फ्यूचर आप अपने ही जोन में रहोगे और वन मोर थिंग एक चीज बोलूँ आपको एक अगर आप अभी अगर आप लोग किसी ने ये कॉमेंट किया ना मेरा पास का ट्रामा बहुत है ये पर्सन बहुत अच्छा है बट मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता तो अपना ट्रामा हील करो भाई अपने आप को हील करो अपने आप को हील करो और अगर अगर ये पर्सन प्रपोज करे अगर आप रेडी नहीं हो तो मना कर देना ये ना करना कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आके कमिटमेंट लेके फिर उसका उसका टाइम खराब करो उसकी एनर्जी खराब करो अगर ज्यादा ही ट्रॉमा है हील्ड नहीं हो अपने आप को हील करो हीलिंग हो जाए फिर इस पर्सन के पास जाओ बट ऐसा मत करना कि आप आप अपने पास में टको ओवर थिंकिंग है ये है वो है फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए उस रिलेशनशिप को आपने ख़राब कर दिया इक्वेरियस यहाँ गलती यहाँ पे ना एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा डाउन लग रही हैं सो काइंडली डोंट डू दैट वर्क ऑन योर ज़्यादा ओवर थिंक मत करो फ्यूचर बहुत अच्छा है ये बहुत तगड़े इंसान है बहुत अच्छे इंसान है इक्वेरियस और ये आपकी वैल्यू करते हैं ये इन्हें पता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो एक्वेरियस क्लेम करो रीडिंग मुझे तो सितंबर एंड से पहले पहले आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो फॉर श्योर बट जो मैंने बोला है उन बातों का ध्यान दो आपके लिए मैं एक गाइड एक रेमेडी यहाँ पे दूंगी प्लीज़ मेडिटेशन करो गाइडेड मेडिटेशन करो दस मिनट का मेडिटेशन करो डीप ब्रीदिंग करो सो जितनी भी थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी आपके और में आपके एनर्जी में जो मुझे दिख रही है वो हट जाए जल्दी से जल्दी ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने में ओके एक्वेरियस दिस वाज योर रीडिंग कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को स्पोर्ट्स में फुटबॉल क्रिकेट या कोई भी रगबी कोई भी स्पोर्ट्स में इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है ऑल्सो इन्हें गार्डनिंग का शौक कुकिकिंग का भी शौक हो सकता है ओके बाय एंड टेक केयर